राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की जी तीन लोग तारन तरन वो तेरे आधीन तो ब्रजवासी आनंद में और आनंद में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों वृंदावन की धरती पर आप सबको मैं बताऊंगा परिक्रमा का महत्व कि परिक्रमा का महत्व कितना है, एक परिक्रमा लगाने के बाद कैसे जीवन सुधरता है। महाराज जी और कुछ संत जो है यहाँ से निकल रहे थे, मैंने उन्हें रोका और रोकने के बाद उनसे आग्रह और निवेदन किया कि परिक्रमा के महत्व के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो अब मैं परिक्रमा के महत्व के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। परिक्रमा की तो बहुत बड़ी बात है, जो ये ब्रज है ना, ब्रज रज, हाँ इसका भी बहुत बड़ा ब्रज रज का भी, हाँ जो जी जो रज भी किसी के मत्थे लग जाएगी जी तो उसका भाग्य तो जीवन तर जाएगा, जीवन तर जाएगा जी जी जी। और इसके ऊपर एक आप विद्वानों ने कहा है जी, राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की, फिर से जरा सा तेज से बोलिए, राधे तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की जी, तीन लोग तारन तरन वो तेरे आधीन। तो यह ब्रजवासी जी और सभी ग्वाल वाल सभी जो ब्रज गोपियाँ हैं सभी मिलकर रहते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इनका बहुत सद्भाव बना रहता है। और एक और चीज़ है, राधा कब दूर के फल से जी, बिंदा कब दूर है बन से, गिरवर कब दूर हुए हैं इस प्यारे गोवर्धन जी, ब्रज रज तो जी 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 ब्रज रज तो भाग्य का चंदन है, ब्रज रज तो भाग्य का चंदन है। तो लीजिए मैं भी ये चंदन लगा ले रहा हूँ और वास्तव में ये चंदन है, ये चंदन सब पापों को उड़ के भी लग जाए जी तो सब पाप कष्ट सब दूर हो जाए। अच्छा, अगर कोई रास्ते से जा रहा है तो उड़कर भी लग जाए, हाँ, और उसके अंदर जितने भी दोष हो विकार हो लेकिन वो, और इस परिक्रमा का इस ब्रज का महत्व है कि अगर लाखों गलती करने के बाद में इस ब्रज में पश्चाताप कर ले अपनी गलतियों का जी, ब्रज में अगर पश्चाताप कर ले और जमुना का आक्रमण ले ले जी तो उसके सब पाप नष्ट हो, पाप नष्ट हो जाते। अच्छा, कई साल से महाराज जी आप परिक्रमा लगा रहे हैं? हमको कोई नहीं पता, हमने जैसे ध्यान दिया है, हमने हमारा जन्म इस ब्रज का है जी, और ब्राह्मण परिवार से हैं जी, तो जब से हम तो ध्यान दिया है बच्चापन से परिक्रमा करती रहते हैं और अब कुछ ही पता नहीं, एक है जाए दो है जाए पूरे दिन में हमको कोई इतना। अच्छा, दिन में आनंद आ गया तो फिर एक दो हो गया कोई पता नहीं, बिहारी जी कृपा पे दो तो होनी होनी और प्रतिदिन दो होनी होनी है, हाँ और फिर यह जाए बिहारी जी की कृपा है। अच्छा, और आनंद आता रहता है, बड़ा आनंद आपकी शक्ति है साधना की जी, उसकी शक्ति है। अच्छा, ठाकुर जी की, जो आया है उसे जाना है, जो आ रहा है उसे जाना है, जाना है, कोई ना कोई माध्यम कोई ना कोई रास्ता बनता है, बनता है। और ये रावण नहीं कोई एक काल को पाती थी बांधो तो प्रभु का नाम लेगा उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, नई पीढ़ी के लोग जो है वो परिक्रमा से थोड़ा दूर है, वो तो होटल पे चौराहों पर घूमना घामना लगता, वो कैसे लौटेंगे? देखिए नई पीढ़ी के लोग जी जहाँ के होंगे वहाँ के होंगे, हमारा ब्रज में जी ब्रज मंडल में जी कोई भी जाति का हो कोई धर्म का हो जी वो सब एक छत्री के नीचे रहने वाले, एक छत्र के नीचे, एक छत्र राजा या कन्हैया, कन्हैया और राधा रानी का, उनका आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, लेना ही सब पे है और उनके आशीर्वाद से यहाँ कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, कभी ना भूकंप आए न कभी धरती फटे जी, न कभी तूफान आए न कुछ, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई ऐसी बरसा हो कि जिससे कि ब्रजवासी परेशान जी जी, ब्रजवासी आनंद में आनंद में और आनंद में कोई दिक्कत नहीं। और कोरोना में संभालना है तो एक ही चीज़ को संभालना है, गलत काम मत करो, गलत मत खाओ, आटे में नमक खाओ और नमक में आटा खाओ तो गल जाओगे। और इसी के कारण कोरोना और ये सवारा कोरोना जी कन्हैया ने किया है। अच्छा, बात हो गई थी क्या आपसे? अरे हमसे तो बात होती रहती है, हम तो पूर्ण भरोसा है, हमको कोरोना क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, जब एक वादा किया था, जब कोरोना लगा था एक साल पहले, भाई बहनों घर के अंदर रहो, लॉकडाउन रहो, घर में भी दो दो मीटर की दूरी से जी, कि किवार को भी छियो तो साबुन पे हाथ धो, ये गाय भैंसों को काटता कौन जी, ये गाय का दूध कैसे निकलता, गाय का दूध नहीं निकलता जी, गाय को चारा नहीं डालोगे तो गाय भूखी मर जाएंगी जी, हैं जीने भी कोरोना हो रहा था ना जी जी। तो इनके कहने पर जो आडंबर था जिन्होंने किया वो करते रहेंगे और जो घबरा रहे काल से सभी लोग जी, और कुछ हम में भी ऐसे कुछ साधु संत जो काल से घबरा रहे हैं, काल से जो घबरा रहे हैं कि उन्हें जेट भर लिया ज्यादा,
और ये जेट भरना ही खतरनाक है। लाओ दे जाओ, लाओ दे जाओ, लाओ दे जाओ। ये घबरा रहे, इन्होंने धन इकट्ठा किया है, ये धन काम नहीं आएगा, केवल आएगा तो गोविंद नाम, गोविंद नाम, हरि नाम, गोविंद नाम, राधा रानी का नाम, राधा रानी का नाम जपेगा वो काम आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे तो माथे में भी दर्द नहीं होता, माथे में भी दर्द नहीं होता। अभी यहाँ का कुंभ हुआ था जी, यहाँ तूफान आए थे तीन, आप जी आप नहीं के रहने वाले तो आपको मालूम होगा, उन्होंने यह दिखाया कि पाखंड मत करो, भक्ति करो, तुम यहाँ रहो, नहीं भाग जाओ, भाग जाओ, वो तूफान ने बता दिया जी 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 जी। तूफान ने या श्री कृष्ण ने कही कि जो पाखंड मत करो, भक्ति करो, सद्भाव बने बैठे रहो, तुम्हें बैठे रहो, नहीं तुम्हारे जी तुम्हें देखा होगा बहुत वो उखड़ गए थे जी, किसी का वो तम्बू उखड़ गया, किसी का बैनर फट गया, यानी पाखंड जो है कन्हैया नहीं चाहते, राधा रानी नहीं चाहते, भक्ति सच्ची भक्ति चाहते, सच्ची भक्ति, भक्ति भक्ति भाव से बोलो, राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, यमुना मैया की जय। जय तो दोस्तों, महाराज जी परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा का महत्व पूछा, परिक्रमा के महत्व के बारे में बताया, और फिर उन्होंने बताया कि सदमार्ग पर चलो, सच्ची भक्ति करो, तो ये सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। ये जो सारी महामारी या जो कुछ आ रही है, वो पाप लगातार बढ़ रहा है उसके कारण से आ रही है।